हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर है फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में कि इसमें जो भी कोड दिया जाता है वो प्रैक्टिकली वर्क करता है या नहीं, और इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो इसमें हमें कोड दिया जाता है वो एक्चुअल में रन होता भी है या नहीं। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता है, ये एक चैट बोट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को सर्च करेंगे और वो हमें आंसर देगा। ये गूगल की तरह ही वर्क करता है। जैसे कि गूगल में हम किसी क्वेश्चन को सर्च करते हैं तो वो हमें मल्टीपल वेबसाइट दे देता है जिसमें हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। ये भी हमें इंफॉर्मेशन ही देता है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ किसी क्वेश्चन को सिर्फ लिखना होता है, जो हमें डायरेक्टली उसका आंसर दे देगा। जैसे गूगल हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है कि हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जे हमें इंफॉर्मेशन तो देता है लेकिन डायरेक्टली उस क्वेश्चन का हमें आंसर देता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डायरेक्टली दे देता है। ये है चैट जीपीटी और एक गूगल में डिफरेंस। लेकिन दोनों का जो काम है मेनली क्या है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। तो ये बात थी चैट जीपीटी के बारे में कि ये क्या है, और अभी हम देखेंगे कि ये जो हमें कोड प्रोवाइड करता है वो प्रैक्टिकली वर्क करता है कि नहीं। जैसे हम एक डिज़ाइन करेंगे बटन, एनिमेटेड बटन, देखेंगे कि जो उसका कोड हमें देगा वो प्रैक्टिकल वर्क करता है कि नहीं। तो जहां हम सर्च करेंगे लेफ्ट स्लाइड एनिमेटेड बटन कोड, तो ये हमने अपना जो क्वेश्चन है वो चैट जीपीटी में ऐड कर दिया है। आप अभी आप जहां देख सकते हैं कि ये उसका आंसर दे रहा है और कोड जो हमारा लिखना है वो उसने स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपने क्वेश्चन को यहाँ लिखा और जे हमें उसका डायरेक्टली आंसर दे रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है चैट जीपीटी में। अभी तो चैट जीपीटी जो है फ्री में है, ये पता नहीं है कि इन फ्यूचर ये पेड हो जाएगा या फ्री में ही रहेगा, लेकिन जब तक ये फ्री है हम इसका यूज़ कर सकते हैं फ्री में। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने हमें HTML का कोड भी लिख के दे दिया, CSS का कोड भी लिख कर दे दिया और JavaScript का कोड भी हमें लिख कर दे दिया। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे HTML के कोड को और उसे यहाँ ऐड कर देंगे बॉडी में। उसके बाद हम कॉपी करेंगे CSS के कोड को और वो हम यहाँ हेड में ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम कॉपी करेंगे JavaScript के कोड को। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने जो कोड को पोर्शन में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमें HTML का कोड दिया, CSS का कोड दिया और फिर JavaScript का। जे इसकी जे बहुत बढ़िया बात मुझे लगी कि इसने एक स्ट्रक्चर वे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब जहाँ JavaScript को भी हमने कॉपी कर लिया और उसे जहाँ कोड के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, उससे पहले हमें इसका जो टैग है वो लिखना पड़ेगा और जहाँ इस कोड को हम कर देंगे पेस्ट। उसके बाद हम करते हैं रन बटन पर क्लिक, और आप यहां देख सकते हैं कि जो हमारी CSS है वो इसे इसमें अप्लाई नहीं हुई है क्योंकि हमने स्टाइल टैग तो यूज़ नहीं यहां किया। तो यहां मैं जो स्टाइल टैग को ऐड कर दूंगी। उसके बाद हमें इसे यहां करना है क्लोज, और अभी इसे करके देखते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस पर जो CSS है वो हमारी अप्लाई हो गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी के हेल्प से हमने कोड जनरेट किया था, हमारा बटन है वो क्रिएट हो गया है। अब हम इस पर हावर करके देखेंगे कि ये एनिमेट हो भी रहा है या नहीं। ओ वाओ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्लाइड है वो लेफ्ट जा रही है, जो एनिमेट हो रहा है। तो यहाँ हमने जो कोड को कॉपी करके पेस्ट किया था वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि ये जो ब्लैक एरिया है बटन का, ठीक है, जब हम इस पर हावर करते हैं तो ये इसे पूरा कवर नहीं कर रहा है। वो तो इतनी तो थोड़ा बहुत एडिट्स हम करके इसे जो परफेक्ट बना सकते हैं। तो जो भी हमें चैट जीपीटी में कोड मिला, आप देख सकते हैं कि उसे हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके भी देखा, थोड़ी सी गड़बड़ी ज़रूर थी, लेकिन हमें इतना सारा कोड बिना कुछ मेहनत किए मिल रहा है। तो आई थिंक चैट जीपीटी बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कमी ज़रूर है। अगर हो सकता है कि इन फ्यूचर ये जो छोटी छोटी एरर्स है इसमें ना हो, क्योंकि ये भी तो एक आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस के द्वारा ही कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी जो अगर अपनी एडिटिंग करेंगे तो ये एक परफेक्ट एनिमेटेड बटन बन जाएगा। तो मेरी तरफ से तो जो चैट जीपीटी ने कोड हमें क्रिएट करके दिया वो मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि इतना भी कोड हमें लिखने में थोड़ी मेहनत लगेगी, सोचना पड़ेगा कि कैसे है ना हम बटन को क्रिएट करें, लेकिन ये सारा कोड हमें सिर्फ वन क्वेरी में ही मिल गया और ये जो थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करके हम इसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में कि हमने प्रैक्टिकली देखा कि हम चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे किसी कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की अजमाइश तो जुए में होती है।